विशाल आदित्य सिंह और मधुरमा तुली के ब्रेकअप को हुए अभी कुछ ही महीने बीते हैं, लेकिन अभी भी दोनों किसी न किसी बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आज फिर विशाल आदित्य सिंह ने अपनी कमजोरी को लेकर इंटरव्यू में खुलासा किया। विशाल आदित्य सिंह ने बताया कि मुझे पता है कि मेरा ब्रेकअप मेरे रहन सहन की वजह से हुआ। बहुत कम लड़कियां होती हैं जिन्हें इंसान से प्यार होता है। विशाल आदित्य सिंह ने बताया कि करियर की शुरुआत में मिले रिजेक्शन से मुझे काफी हिम्मत मिली। मैंने जिंदगी में बहुत सारे रिजेक्शन झेले हैं, फिर चाहे गांव हो या मुंबई शहर, कहीं भी काम करना मेरे लिए कभी आसान नहीं था। मैं जहां भी जाता था मुझे वहीं से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। लोग कहते थे तुम एक्टिंग क्या करोगे, तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता। वैसे रिजेक्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बात बोल कौन रहा ये देखना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई मुझे मेरी बोली को देखकर काम देने से मना कर रहा है तो ऐसे में मुझे अपनी कमियों को दूर करने में जुट जाना चाहिए। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ जहाँ साफ साफ बोलना बहुत जरूरी है। विशाल ने कहा कि मैं बिहार का हूँ, इसलिए मेरे बोलनेपन में देसीपन नजर आता है और मेरी अंग्रेजी भी बहुत कमजोर है। इससे पहले मैंने सीरियल चंद्रकांता में राजकुमार तो बेगूसराय सीरियल में पागल आशिक के रोल में काम किया। मुझे मौका मिला और मैंने खुद को साबित करके दिखाया। मैंने अपनी भाषा पर बहुत काम किया और मेरी ये हिम्मत आज भी जारी है। इतना ही नहीं, विशाल ने आगे कहा कि मेरी तो गर्लफ्रेंड ही मेरी भाषा का मजाक बनाती थी। इस बारे में एक्टर ने बिग बॉस के दौरान झगड़े के बीच खुलासा भी किया था। तो विशाल आदित्य सिंह को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलम न्यूज रिपोर्ट।